इन 29 जिलों में बारिश 21% से 46% तक कम रिकॉर्ड हुई। अब आप सोचिए ये हालत है चुनाव में जाने वाले मध्य प्रदेश। सतना, मंदसौर और अशोकनगर में बारिश 40 से 46% तक कम, सीहोर और विदिशा में बारिश औसत से 21% तक रिकॉर्ड कम की गई। अब तक रूठे हुए मॉनसून बिजली संकट भी गहरा हुआ, धान सोयाबीन की फसलों पर संकट आ गया। आप जानते हैं कि सोयाबीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती है। इन हालात में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भगवान की शरण में चले। एक आपात बैठक के बाद उन्होंने महाकाल में दरबार में बारिश के लिए अर्जी लगाई। वैसे मौसम विभाग का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में 5 सितंबर से बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो सकता है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पानी छोड़ा जाए, छोड़ रहे हम लोग। दूसरे वर्षा
पैदा नहीं होने के कारण बिजली का संकट भी पैदा हुआ है। 8-9 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15 हजार मेगावाट बिजली की मांग है। कांग्रेस की मांग है सरकार किसानों को फौरन मुआवजा दे। किसान टोटल खर्च है, कर्ज लेने की करता है, दादन से बहन से इनसे सबसे। अब अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या है भाईजान जी? तो इनके खेतों में गया था, सब खराब हो गई, अपने आप में किसान दुखी, उनके आंसू रहा। सरकार जिन कंपनियों को बीमा कंपनी को लाभ मिला उनको वापस उनको मुआवजा दे। 7 घंटे आप बिजली की बात करते फिर भी अनुघोषित कटौती करते हैं। बिजली के बढ़े हुए लगभग अद्भुत बिल है, इस नाम पर बिजली काटी जा रही है। ट्रांसफार्मर नहीं है, तार नहीं है, खंभे नहीं है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ कल मेरे जेब से 400 खंभे घर की राशि से खरीद के मैंने मेरे क्षेत्र की जनता अलग अलग जहाँ डिमांड की थी, पर विद्युत मंडल के पास नहीं था। इसका मतलब है स्थिति बहुत दयनीय है। तो जो जो 20 साल का मुख्यमंत्री इस दौर में ला के रखती सब व्यवस्था को, बिजली की व्यवस्था को, उसको कैसे माफ करे बिजली उपभोक्ता, वो चाहे घरेलू हो, चाहे कृषक हो, चाहे उद्योग हो। मैं मानता हूँ ट्राई ट्राई है, सरकार को जवाब देना होगा, कीमत चुकानी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में सामान्य से 18% कम बारिश दर्ज की गई है। कुल 53 जिलों में से कम 47 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। भोपाल समेत 11 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से 30 से 46% तक कम बारिश हुई है। अनूपपुर में सामान्य से 2% कम और 17 जिले में तो सामान्य से 46% तक कम बारिश हुई है। 52 में से 36 बड़े बांध 25% से ज्यादा खाली हैं। बारिश की कमी से खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है। चुनाव बस 2-2.5 महीने की दूरी पर है, ऐसे में सत्तारूढ़ दल परेशान है क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। हालांकि जानकार मानते हैं कि अगर अब भी अच्छी बरसात हो गई तो ये जो सोयाबीन के दाने हैं वो हिल सकते हैं। बावजूद इसके इस बार पूरी पैदावार का प्रभावित होना तय है और वो कम ही रहेगी, दाने कुछ ऐसे मुरझा से जाएंगे। भोपाल से अपने सहयोगी रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। अब हम मौसम विभाग से ये जानने पहुंचे कि भैया इनको राहत मिलेगी भी या नहीं। लेकिन क्या इस बारिश से किसानों के हालात बदलेंगे, क्योंकि सूखे के साथ किसान बिजली संकट भी झेल रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह का नेक्स्ट लेवल प्लान क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं तो जमीन आसमान सबके सरकारी